यूं भी तू मेरे बिना नहीं जी सकता और ये दुनिया हमें साथ में नहीं जीने देगी, लेकिन हम साथ में मर तो सकते हैं। What? ट्विंकल, तू ट्विंकल ट्विंकल क्या करी? क्यों यूवी, तू यही चाहता है ना कि हम हमेशा साथ रहे? हाँ, और तूने तो आज तक मेरी हमेशा हर विश पूरी करी और अब मेरी बारी है। हम साथ जी नहीं सकते तो हम साथ मर तो सकते? ट्विंकल स्टॉप इट, आर यू क्रेजी? क्या क्या हो गया तुझे? ट्विंकल ट्विंकल मेरी बात सुन, इमोशनल होके ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, तू समझने की कोशिश कर। ट्विंकल सामने ट्रक है, ट्विंकल स्लो डाउन प्लीज। ट्विंकल नो यूवी, आई नो आगे ट्रक है। ट्विंकल ट्विंकल नो नो Thank God. Are you mad? होश में तो है तू ट्विंकल? अभी दोनों को कुछ हो जाता तो God. आज एक्चुअली होश में आ गई हूं मैं यूवी। ये सच तेरी ही जबान से सुनना चाहती थी मैं। यूवी, प्यार की कसमें वादे करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आती है ना तो उनकी सही वैल्यू पता चल। और आज एक बार फिर तू प्यार में हार गया। एक्चुअली प्यार में क्या हार गया, तूने तो कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं। तेरे लिए तो मैं हमेशा सिर्फ एक ट्रॉफी थी ना, जिसे तू हासिल करना चाहता था। यूवी, तुझे क्या लगता, तूने मुझे बोला कि कुंज ने तुझे इतना बेरहमी से मारा और मैंने तेरा बिलीव कर लिया? तेरी और कुंज की रग रग से वाकिफ हूं मैं। मैंने कुंज पे एक मिनट के लिए भी डाउट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि कुंज ने मुझे खो दिया है या नहीं, लेकिन यूवी तूने मुझे हमेशा हमेशा के लिए जरूर खो दिया। तेरा और कुंज का कल भी कोई कंपैरिजन नहीं था, आज भी कोई कंपैरिजन नहीं। तुझे मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, बहुत इंपॉर्टेंट था तू मेरे लिए लाइफ में, लेकिन आज तूने वो दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। खो दिया तूने ट्विंकल को, गुड बाय युवराज लूथरा, गुड बाय फॉर एवर। आज तूने ट्विंकल और ट्विंकल की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खो दी। वैसे भी जिसके लिए मैं यहां आया था वही मुझसे दूर रहना चाहती है तो मेरा यहां रहने का क्या फायदा? माय रेजिग्नेशन।
I'm sorry for everything. ये रॉकी जी और ट्विंकल के बीच में चल क्या रहा है? What's the story? लगता है सब सो गए। अच्छा ही है, वरना इस मूड में बर्थडे सेलिब्रेट करना जीता रहे बेटा, सर जिंदा रहे, रब तुझे लंबी उम्र दे, तेरी रक्षा करे और खूब तरक्की करो। थैंक्स। कुंज देख, ये जो सारी तैयारियां है ना, ये किसने की? पल्लवी ने, सुबह से लगी हुई है बेचारी। आंटी, जितना पल्लवी ने किया है उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। उस ट्विंकल जैसी नहीं है जिसे किसी की खुशी का ख्याल ही नहीं है। एक तो पहले ही उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है और ऊपर से ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया उसने। थैंक्स मां, बहुत अच्छी पार्टी है। अरे थैंक्स तो पल्लवी को कहो। वेरी नाइस सुशांति, आप मेरी इतनी तारीफ करके ना मेरा ही काम आसान कर रही हैं। अरे सिर्फ गल्ला ही करते रहोगे कि केक भी काटोगे? चल पुत्र केक काटते हैं। चॉकलेट केक है जी, चॉकलेट केक। चल पुत्र केक काट। ट्विंकल, ये तो उसकी बीवी का नाम है ना, जो उसे छोड़कर चली गई। हाँ, लेकिन ये अब तक उसी का दीवाना बना घूम रहा है। मॉडर्न देवदास। कुंज, ये लो केक काटो। आप सब यहां आए, थैंक्स सो मच, बट आई हैव टू गो। इस ट्विंकल ने तो नाक में दम करके रखा है। होती है तो भी मुसीबत, नहीं होती है तो भी, पता नहीं कब और कैसे मेरे बेटे के दिल से उस मनहूस लड़की का ख्याल जाएगा। Really stupid. Really, really stupid. मैं तो ऐवी डर गया था कि ट्विंकल एक्सीडेंट करने वाली है, बल्कि वो तो लास्ट मिनट में रुकने वाली थी। युवराज लूथरा, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? गॉड डैम इट। खैर, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। नाउ यू रियली नीड टू बक अप युवराज, यू रियली नीड टू बक अप युवराज लूथरा। ठीक है, अब ट्विंकल को मैं दिखाऊंगा कि कितना सच्चा प्यार मैं उससे करता हूं। चलो अच्छा, उसने मुझसे खुद ब खुद दोस्ती तोड़ दी। नाउ नो मोर दोस्ती, ओनली प्यार, ओनली लव।
दोनों ये जो स्टूपिड कंपटीशन कर रहे हो ना, उसमें यूवी तुमसे आगे है कुछ। यूवी इज विनिंग, ओके? और तुम दोनों के सो कॉल्ड कंपटीशन को तुम हार रहे हो और वो जीत रहा है। ट्विंकल का घर देख ले ट्विंकल, ना चाहते हुए भी मेरे कदम अपने आप तेरी ओर खींचे चले आते हैं। कुंज, व्हाट आर यू डूइंग? क्या फायदा इसका जब ट्विंकल ने खुद तुझसे कह दिया है कि उसे तेरी जरूरत नहीं है। बात तो दूर, वो तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ट्विंकल पुत्र, तू आ गई पुत्र? माँ प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। की होया पुत्र? तेरा मूड ऑफ है क्या? इंस्टीट्यूट में कुछ हुआ क्या पुत्र? बता ना मेनू। ट्विंकल, क्या बताऊं मैं आपको, जितना मैं हालातों से लड़कर अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करती हूँ उतनी उलझती जाती हूँ। काश कौन समझ पाता, काश वो समझ पाता कि मेरे दिल में क्या है। इतनी रात को कौन आया है? माँ, क्या मैं ट्विंकल से बात कर सकता हूँ? प्लीज माँ, मुझे ट्विंकल से सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है। कोशिश करके देख लो, मुझे नहीं लगता कि। आई नो, ट्विंकल। यूवी, तू, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू यहाँ पे आ गया? I know तू मुझ पे गुस्सा है, but I also know कि गुस्सा उसी पे किया जाता है जिससे प्यार है। And I know for a fact कि तू मुझसे प्यार करती है, बस तुझे realize नहीं हो रहा, तू समझ नहीं रही। But you love me, Twinkle. Seriously, you are impossible. तुझे समझ नहीं आता कौन सी भाषा में तुझे समझाऊं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं तुझसे। निकल जाए यहां से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे तुम्हारा। जिस गेट सीरियसली बहुत डीट, निकल जिस मेरी बात। आई सेड गेट आउट। ट्विंकल प्लीज, मेरी बात। मिस्टर कुंसर, तो आप भी यहां पर हैं, लेकिन आप यहां क्या करने आए हैं? लेट मी गेस, काफी अच्छी तरीके से जानती हूं मैं आपको। हाँ, आप यहां पर आए होंगे एक बड़ी सी सैक्रिफाइशियल स्पीच तैयार करके।
के जा ट्विंकल जा, जी ले अपनी जिंदगी यूवी के साथ, मैंने तुझे आजाद की, राइट? एक बार पहले भी तुम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते मुझसे दूर चले गए, आज दोबारा वही करने जा रहे हो, क्योंकि तुमने अपना मन बना लिया होगा कि मैं यूवी के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज से उसे लेके चली, राइट? कुंज एक बात बताओ, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, तुम सिर्फ जो अज्यूम कर लेते हो तुम्हें लगता है वही सच, राइट? एक यूवी है जो किसी भी हद तक जा सकता है मुझे पाने के लिए, एक तुम हो जो मुझे कभी भी बीच रास्ते में छोड़ के जाने के लिए तैयार रहते, तुम दोनों कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से, जस्ट गेट लॉस्ट। ट्विंकल लिसन, ट्विंकल, थैंक्स यूवी, थैंक्स सो मच, जो काम मेरी इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं कर पाए आज तेरी बेवकूफी ने कर दिया। आज मुझे पता चल गया कि मेरी बीवी मुझसे नाराज है, वो मुझसे नफरत नहीं करती। अब तो देखना, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा लेकिन उसे मना कर ही रहूंगा। थैंक्स, थैंक्स मुझसे ये रियलाइज करवाने के लिए कि ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी है, ट्विंकल और कुंज की लव स्टोरी, जहां तेरी कोई जगह नहीं। अब तो देखना, मैं इस लव स्टोरी को ट्विंकल के लिए खूबसूरत फेरी टेल बनाकर रख दूंगा। बहुत जल्द हमारा टशने इश्क सिर्फ इश्क बनकर रह जाएगा और तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ मुझे मिस कर रहा होगा, इसीलिए मुझे मिलने बुलाया। थैंक्स पल्लवी, थैंक्स सो मच फॉर कमिंग, आई रियली नीडेड माय बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ। पल्लवी, ट्विंकल को मनाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। तुम तो जानती हो कि ट्विंकल मुझसे नाराज है, लेकिन पल्लवी मैं जानता हूं वो मुझसे बेहद प्यार करती है। देखो तुम भी एक लड़की हो, प्लीज मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, वो मुझे अपना ले। कुंज, जहां तक मैं ट्विंकल को जानती हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैनली हो, जो उसे कंट्रोल कर सके, someone who's macho? हाँ, एक मर्द तो वही होता है ना जो एक औरत की इज्जत करे, उसे समझे, उसे रिस्पेक्ट दे, है ना? ये जो मैचो मैन टाइप डोमिनेटिंग आदमी होते हैं ना, उनसे मुझे सख्त नफरत है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरा दोस्त बनकर रहे, मेरी रिस्पेक्ट करे। पर मैं, आपको पता है, पहले वाला कुंज बिल्कुल ऐसा था, लेकिन जब से कुंज रॉकी बन के वापस आया है ना, बिल्कुल बदल गया है, वो बहुत अग्रेसिव हो गया। मां, मैंने पुराने वाले कुंज को हमेशा के लिए खो दिया है क्या? आयशा, मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम लड़कियों को कैसे लड़के चाहिए होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो, मैनली हो, जो थोड़ा डोमिनेट कर सके, अग्रेसिव हो। तुम समझ रहे हो ना? आप, पर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्विंकल के साथ अग्रेसिव हुआ
तो शी लाइक इट? हाँ, आई मीन तुम खुद ही सोच लो, अब तक तुम कितने पोलाइट, स्वीट, सेंसिटिव थे उसके साथ, वो तुम्हारे पास आई क्या? नहीं ना, तो अब थोड़ा एग्रेसिव होके देख लो, पजेसिव होके देख लो, एंड आई एम श्योर वो जरूर आएगी. या यू आर राइट, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए. क्या पता कुछ का नया एटीट्यूड ट्विंकल को पसंद आ जाए. थैंक्स पलक, थैंक्स सो मच, यू बीन अ ग्रेट फ्रेंड. नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर यू. थैंक्स. कुंज, अगर ऐसे ही तुम मेरी एडवाइस मानते रहोगे ना, तो ट्विंकल तुमसे हेट करने लगी, फिर बचेंगे सिर्फ मैं और तुम. एग्जैक्टली एज आई वॉन्ट.